नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। दोस्तों, जियो ने आईपीएल के नाम पर दिया था यहाँ पर जियो क्रिकेट सीजन पैक केवल 251 रुपये में, जिसमें आपको 51 डेज का वैलिडिटी मिलता था और रोजाना 2 GB डेटा मिलता था। तो इसके बाद में जो है एयरटेल की तरफ से कुछ ऐसा ऑफर आया था 249 रुपये वाला, और इसके बाद में आज यहाँ पर आइडिया की तरफ से भी एक 249 रुपये वाला ऑफर निकल कर आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीन ऑफर के बारे में जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन सा ऑफर यहाँ पर आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आईपीएल के नाम पर यहाँ पर जियो और एयरटेल की तरफ से, दोनों की तरफ से ऑफर लॉन्च किए गए थे। जियो की तरफ से 251 रुपये वाला प्लान आया था, 51 डेज का वैलिडिटी, रोजाना 2 GB डेटा, वहां पर कोई कॉलिंग वगैरह आपको नहीं दी जा रही थी। तो इसके बाद में एयरटेल की तरफ से 249 रुपये वाला प्लान आया, 28 डेज के लिए, रोजाना आपको 2 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स। उसके बाद में यहाँ पर आज आइडिया की तरफ से भी ठीक ऐसा ही ऑफर लॉन्च कर दिया गया है 249 रुपये में, यानी कि 28 डेज का आपको वैलिडिटी आइडिया दे रहा है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल से मतलब है आपका रोजाना 200 मिनट्स या पूरे वीक के दौरान 1000 मिनट्स। अगर यहाँ पर डेटा की बात करें तो आइडिया आपको रोजाना 2 GB डेटा ही प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ ऑफर यहाँ पर निकल कर आया था आज आइडिया की तरफ से। वैसे आप मुझे यहाँ पर बताइए कि इन तीनों ऑपरेटर्स में से आपको कौन सा प्लान बेस्ट लग रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।